नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश कुमार। एक बार फिर मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज़ डिहाइड्रेशन, और इसके डिहाइड्रेशन के जो एजेंट्स होते हैं उनके बारे में हम डिटेल में अध्ययन करने वाले हैं। इसमें डिटेल आपको पूरी जानकारी दूंगा, और ये टिश्यू प्रोसेसिंग का एक प्रोसेस है, और हम आगे आने वाली वीडियो में टिश्यू प्रोसेसिंग के सारे स्टेप्स को स्टेप बाय स्टेप जो है पूरा थ्योरी क्लासेस आपका लूँगा, और आपको नोट्स भी इसमें जो है प्रोवाइड कर दूँगा। तो जो नोट्स आपको मिल रहा है उतना नोट्स आप बना लीजिए, और वही चीज़ उन्हीं में से आपको पढ़ना है। तो डिहाइड्रेशन को समझने के लिए जो है आपको सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन मैं आपको समझा देता हूँ कि डिहाइड्रेशन एक्चुअली होता क्या है। मैं ऑलरेडी पहले भी समझा चुका हूँ, लेकिन नोट्स के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूँ। तो डिहाइड्रेशन होता क्या है, एक्चुअली वाटर को रिमूव करना किसी भी चीज़ से, वो डिहाइड्रेशन कहलाता है। लेकिन यहाँ के केस में क्या है, हम एक्चुअली टिशू प्रोसेसिंग पढ़ रहे हैं। तो टिशू प्रोसेसिंग जब पढ़ रहे हैं तो टिशू के अंदर से पानी को बाहर करना टिशू के अंदर से, वो आपका डिहाइड्रेशन कहलाएगा। बिल्कुल सिंपल वे में है, मतलब पानी को जो है आपको बाहर निकालना है टिशू के अंदर से या ऊतक के अंदर से। अब वो टिशू के अंदर से आपको पानी कैसे निकालना है वो हम आगे देखते हैं, कौन से एजेंट्स हैं इनके जिनके द्वारा हम पानी को बाहर निकाल सकते हैं। अब ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है, लेकिन हम रिएजेंट ही यूज करते हैं, और रिएजेंट के द्वारा ही पानी को हमें बाहर निकालना है, ना कि किसी अलग से मैकेनिज्म या फिर कोई इलेक्ट्रिक मशीन की ज़रूरत हमें नहीं है, लेकिन हम रिएजेंट के माध्यम से ही आप अपने को इसके अंदर से पानी को निकालना है। तो डिहाइड्रेशन जो होता है इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये एम्बेडिंग मीडिया जो होता है, अधिकतर जितने भी एम्बेडिंग मीडिया होते हैं, अगर आप उसमें एम्बेड करोगे तो उसमें दिक्कत क्या होगी, अगर पानी टिशू के अंदर है तो वो जो एम्बेडिंग मीडिया है वो जब आप पैराफिन वैक्स में डालेंगे आप टिशू को, तो उसके अंदर पैराफिन वैक्स नहीं जा पाएगा, क्योंकि वो पानी में घुलनशील नहीं होता है। हमारा जो एम्बेडिंग मीडिया होता है, चाहे वो पैराफिन वैक्स ले लीजिए या फिर बाकी जितने भी एम्बेडिंग मीडिया होते हैं, तो इसीलिए जो है इस दिक्कत को दूर करने के लिए हमें पानी को निकालना है। तो ये एक इम्पोर्टेंट इसका पार्ट हो गया। बाकी और बहुत सारे रीजन भी होते हैं, लेकिन अभी हम इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ जो है यही देख रहे हैं। अब नेचुरली जो डिहाइड्रेशन होता है वो कैरिड आउट यूजिंग द सेम रिएजेंट दैट मिक्स विथ बोथ वाटर एंड द एंटीमेटर। तो हमें जो है डिहाइड्रेशन जो करना है तो उसके लिए ऐसा रिएजेंट यूज करना है जो पानी में भी घुलनशील हो सके, ताकि वो पानी के साथ मिल सके। तभी जाकर के पानी के साथ वो मिलेगा, तभी टिशू के अंदर जो है वो रिएजेंट जा सकता है। इसलिए हम ऐसे डिहाइड्रेशन करने के लिए ऐसे रिएजेंट का इस्तेमाल करते हैं जो पानी में क्या होता है, घुलनशील होता है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना होता है। तो ये कुछ डिहाइड्रेशन के बारे में इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन था। अब आगे हम देख लेते हैं इसमें इम्पोर्टेंस ऑफ डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन का इम्पोर्टेंस क्या है, तो इनकम्प्लीट अगर डिहाइड्रेशन होगा तो क्या होगा, जो आपका टिशू है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहेगा, मतलब मुलायम रहेगा। तो जब मुलायम रहेगा इतना ज़्यादा टिशू, तो सबसे पहली चीज़ तो इसकी माइक्रोटोमी जब आप करेंगे या कटिंग करेंगे तो वो अच्छे से माइक्रोटोम मशीन के अंदर वो कटिंग नहीं होगा, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो माइक्रोटोम ठीक है, वो एम्बेडिंग मीडिया जो है वो उसका रोल है, लेकिन मेन दिक्कत कहाँ आएगा, टिशू को काटते समय जो है सबसे बड़ी परेशानी होती है अगर सही से डिहाइड्रेशन नहीं होता। कई बार ऐसा होता है, गलती हो जाती है लैब टेक्नीशियन से, जब वो टिशू प्रोसेसिंग करता है तो सही से डिहाइड्रेशन वाला प्रोसेस नहीं हो पाता, या फिर वो अल्कोहल को जो है समय समय पर चेंज करना होता है तो वो नहीं कर पाता है, जिसके कारण क्या होता है, टिशू प्रोसेसिंग में डिहाइड्रेशन का स्टेप अगर सही से नहीं हुआ है, पानी रिमूव नहीं हुआ है, तो वो माइक्रोटोमी करते समय बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं। अधिक मात्रा में अगर वो सॉफ्ट रह गया तो आपको दिक्कत हो जाएगा, ठीक। तो उस बात का हमें ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पर विल नॉट अलाउ इन्फिल्ट्रेशन ऑफ क्लियरिंग एजेंट, तो और भी बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। अगर डिहाइड्रेशन के बाद वाला स्टेप अगर हम बात करेंगे तो डिहाइड्रेशन के बाद आपका क्लियरिंग वाला प्रोसेस आता है, तो अगर डिहाइड्रेशन कंप्लीट नहीं होगा तो क्लियरिंग भी अच्छे तरीके से नहीं होगा। तो इस बात का जो है हमें विशेष ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं आगे, एक्सेस डिहाइड्रेशन हो गया। अब ये तो इनकम्प्लीट डिहाइड्रेशन है, अगर इनकम्प्लीट डिहाइड्रेशन होगा तो ये परेशानी है, और एक्सेस अगर डिहाइड्रेशन हो गया, ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो गया, तब क्या होगा, आपका टिशू जो है बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा आपका टिशू, ठीक है। तो ये सारे परेशानी जो है हो जाएंगे, तो इस बात का जो है आपको ध्यान रखना है। तो उसके बाद साथ साथ वो नाजुक भी हो जाएगा बहुत ज़्यादा, तो आपको उसमें भी माइक्रोटोमी करते समय दिक्कत हो जाएगा। तो ये सारी परेशानियां जो हैं हो जाते हैं अगर डिहाइड्रेशन सही तरीके से नहीं हुआ तो। तो इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है, तभी जा करके डिहाइड्रेशन का प्रोसेस अच्छे तरीके से, क्यों इम्पोर्टेंट रोल है
पर टिश्यू प्रोसेसिंग में डिहाइड्रेशन का वो चीज़ हम देख रहे हैं इसमें। इट इज़ ऑलवेज एडवाइसेबल ऑफ द प्रोसेस टिश्यू इन असेंडिंग ग्रेड ऑफ एल्कोहल। तो आप लोगों को सभी को पता होगा डिहाइड्रेशन हम कैसे करते हैं, असेंडिंग ग्रेड में मतलब बढ़ते हुए क्रम में, मतलब जो एल्कोहल का परसेंटेज जो है वो बढ़ते हुए क्रम में रहता है, तो उस प्रोसेस को जो है हम डिहाइड्रेशन बोलते हैं। ठीक, आगे हम देखेंगे उसमें। तो एथाइल एल्कोहल और आइसोप्रोपाइल एल्कोहल जो है बेस्ट होते हैं टिश्यू प्रोसेसिंग में, तो इसमें जो है ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। एथाइल एल्कोहल और आइसोप्रोपाइल एल्कोहल जो होते हैं उनका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा टिश्यू प्रोसेसिंग में, अधिकतर लेबोरेटरीज में इस्तेमाल किया जाता है। अब हम आगे देख लेते हैं एजेंट्स ऑफ डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन के अलग अलग एजेंट्स हैं जो लेबोरेटरीज में इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट जो एजेंट्स हैं वो मैंने आपको बता दिए कौन से एल्कोहल इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये वाइवा में भी बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से बनते हैं, तो इनको जो है आप अच्छे से पढ़ लीजिए, नोट्स बना लीजिए और याद भी रखिए हमेशा के लिए, ताकि एग्जाम में आपको ये बेनिफिट हो सके। अब हम बात करते हैं एल्कोहल की। तो एल्कोहल जो यहाँ पर दिए हैं द बेस्ट एजेंट, इससे पहले जो है मैं एक जानकारी आपको दे दूँ, ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको बुक्स वगैरह की रिक्वायरमेंट है किसी भी चीज़ की, तो आप डिस्क्रिप्शन पर जाना इस वीडियो के, और वहाँ पर आपको लिंक दिए हैं सारे बुक्स के, तो वो बुक आप मंगवा सकते हैं ऑनलाइन घर बैठे, आपके बुक जो है घर बैठे आ जाएंगे। वही इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो मैंने पढ़ाई किया है और वही चीज़ मैं आपको रिकमेंडेड कर रहा हूँ, तो वो बुक्स आप ऑनलाइन घर बैठे मंगवा सकते हैं अमेजोन के थ्रू। एल्कोहल की हम बात कर रहे थे, तो एल्कोहल जो होता है बेस्ट एजेंट होता है डिहाइड्रेशन के लिए। तो एथाइल एल्कोहल जो होता है इसके बहुत सारे एडवांटेज भी हैं, और इसीलिए इसका इस्तेमाल अधिकतर लैबों में रूटीनली इस्तेमाल किया जाता है, और ये हानिकारक भी नहीं होता ना खतरनाक नहीं होता, तो ये फ़ायदेमंद होता है, इसलिए जो है इसका इस्तेमाल अधिकतर किया जाता है। तो डिहाइड्रेशन का प्रोसेस जो होता है मैं पहले ही बता दिया था, एक सीरीज होता है उसका इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ में। तो एल्कोहल को जो है हम 50% से स्टार्ट करते हैं, 50% एल्कोहल होगा उसमें, जो एब्सोल्यूट एल्कोहल आता है उसको हम क्या कर देते हैं 50% उसमें एल्कोहल डालते हैं, 50% डिस्टिल वाटर डालते हैं, तो इस तरीके से वो 50% हो जाता है। इसी तरीके से 70% बना लेते हैं, 80% बना लेते हैं, 90% बना लेते हैं, 100% बना लेते हैं, तो इस तरीके से इसका हम परसेंटेज बना लेते हैं एल्कोहल का, और अलग अलग जार में रख देते हैं इन परसेंटेज को। अब सबसे पहले स्टार्ट करेंगे टिश्यू को 50% में रखेंगे, फिर उसके बाद 70 में, फिर 80 में, फिर 90 में, फिर 100 में। हम डायरेक्ट जो है उसको 70, 80, 19 या 100 में क्यों नहीं रखते हैं, उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, नीचे लिखा भी होगा। अगर ऐसा हम करते हैं तो इससे क्या होगा, बहुत सारे प्रॉब्लम जो है टिश्यू के साथ हो जाएंगे। तो इसका जो है जो टिश्यू डायरेक्टली फ्रॉम फॉर्मिलिन से आप हायर ग्रेड में अगर डाल देंगे एल्कोहल में, तो वो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा जो टिश्यू है वो एबनॉर्मल हो जाएगा या गड़बड़ हो जाएगा, उसमें टूट भी सकता है वो। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे रीजन हो सकते हैं जिसके कारण हम जो है उसको धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर से पानी को निकालना है। ये नहीं कि एकदम से हमने जो है फॉर्मिलिन से उठाया और डायरेक्ट जो है 100% में डाल दिया, तो पूरे टिश्यू की हालत जो है ख़राब हो जाएगी। तो इसीलिए जो है हमें धीरे धीरे उसको पहले 50 में रखेंगे, फिर 70 में, फिर 80 में, 90 में, फिर 100 में, इस तरीके से हम रखते जाएंगे, तब जाकर धीरे धीरे उससे पानी भी निकलेगा, आपका टिश्यू भी सुरक्षित रहेगा, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होगा। तो इसलिए जो है हम ये प्रोसेस करते हैं। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं। तो वही चीज़ है, तो जो बाकी जो टिश्यू होते हैं बहुत नाजुक भी होते हैं, उनमें जो है बहुत सारी परेशानियाँ हो सकती हैं, इसलिए 50% से वो स्टार्ट करते हैं, वही चीज़ इसमें लिखा है। आगे हम बात कर लेते हैं एसीटोन। अब एसीटोन की अगर हम बात करेंगे तो इसका इस्तेमाल किया जाता है, और ये गुड डिहाइड्रेंट के रूप में भी माना जाता है, लेकिन ये सस्ता भी है, परंतु इसका जो है मेन दिक्कत क्या है, ये परिवर्तनशील होता है, मतलब ये चेंजेबल होता है। ठीक है, तो ये वॉलेटाइल होता है, इसलिए जो है इसको थोड़ा सा हम अवॉइड करते हैं इस्तेमाल करने के, लेकिन ये गुड जो है डिहाइड्रेंट माना जाता है और सस्ता भी होता है, और इट हार्डन टिश्यू मोर देन एल्कोहल एंड मच ग्रेटर वॉल्यूम ऑफ इट इज़ रिक्वायर्ड देन एथेनॉल। तो एथेनॉल की जगह पर इसका ज़्यादा ज़रूरत जो है रिक्वायरमेंट होती है, या ज़्यादा वॉल्यूम में इसकी ज़रूरत पड़ती है, तो ये भी एक इसका जो है डिसएडवांटेज है। तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी आ जाते हैं कभी कभी, तो वो आप याद कर लें। और डिहाइड्रेशन टाइम का भी इसमें जो है दिक्कत है, तो ये भी एक जो है इसका डिसएडवांटेज है, इसके कारण इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो इसके लिए जो है अधिकतर जो स्मॉल जो पीसेस में रहते हैं टिश्यूज़ के, तो उसके लिए जो है एसीटोन का इस्तेमाल करना बेस्ट माना जाता है, और एसीटोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका एसीटोन सेकेंड, और उसके बाद थर्ड जो है डाइएथिलीन डाइऑक्साइड। तो इसका इस्तेमाल जो है ये पानी में और एल्कोहल में और जाइलिन में और पैराफिन वैक्स में, जो एम्बेडिंग मीडियास होते हैं तो उनमें ये घुलनशील होता है, और ये जो है यूनिक डिहाइड्रेट एजेंट की तरह जो है इसको माना जाता है, और ये देयर इज ए लिटिल श्रिंकेज टू द टिश्यू
बट इट इज़ नॉट रिकमेंडेड फॉर रूटीन यूज। इसको रूटीन यूज के लिए तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है? इसके अच्छाइयाँ भी हैं तो साथ में इसकी बुराइयाँ भी हैं। तो अच्छा एक एजेंट वो माना जाता है जिसमें डिसएडवांटेज कम हो या ना हो तो ज़्यादा अच्छा हो, लेकिन फ़ायदे ज़्यादा हो तो उसी को जो है रूटीनली इस्तेमाल अधिकतर लेबोरेटरीज़ में किसी भी रिएजेंट का किया जाता है। अगर नुकसान ज़्यादा हो, भले वो बेटर हो या बेस्ट हो या बहुत अच्छा हो, काम अच्छा करता हो, लेकिन उसके अगर साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हैं तो उसके इस्तेमाल करने में रिस्क होता है, इसलिए उनका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो इसके बहुत सारे जो हैं डिसएडवांटेज हैं, और ये जो है डेंजरस सब्सटेंस होता है, और लिटिल इसकी गंध भी जो है, जो महक है वो बहुत डेंजरस होता है। तो इसी तरीके से इसलिए इसका इस्तेमाल जो है नहीं किया जाता है, और इसको संचय करने में जो है, और ये टॉक्सिक एक्शन की तरह काम करता है, तो इसलिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो इस तरीके से इसके डिसएडवांटेज भी बहुत सारे हैं, तो आप इनको याद रख लें। उसके बाद जो है डिहाइड्रेशन को आपको चेक करना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, डिहाइड्रेशन कम्प्लीट हुआ है या नहीं हुआ है, उस बात को आप कैसे चेक करेंगे? तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये वाइवा में भी पूछते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी आते हैं, तो इम्पॉर्टेंट चीज़, इसको आप याद कर लें अच्छे तरीके से। तो डिहाइड्रेशन कम्प्लीट हुआ है या नहीं हुआ है, इसी से आप अंदाज़ा लगाएंगे कि अगर डिहाइड्रेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, आपने चेक किया, ठीक है। तो अधिकतर जो लेबोरेटरीज़ में काम करते हैं एक्सपर्ट जो होते हैं टेक्नीशियन, उनको ऑलरेडी अंदाज़ा लग जाता है जब वो माइक्रोटोमी करते हैं या एम्बेडिंग करते हैं टिश्यू प्रोसेसिंग होने के बाद, तभी वो टिश्यू को देख करके बता देते हैं कि डिहाइड्रेशन अच्छे से नहीं हो रहा है, आपको अल्कोहल चेंज करना है। तो ये प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन ये टेक्निकली है चीज़ें और ये प्रैक्टिकली है, इसलिए आपको ये चीज़ याद रखना है। वो आता है वो अच्छी बात है, लेकिन कैसे करना है चेक देख लेते हैं। तो डिहाइड्रेशन को चेक करने के लिए कुछ नहीं करना है, आपके पास सिंपल एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट होगा, तो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट जो वाइट कलर का होता है, इसको आपको लास्ट जार जो रहता है, ठीक है, 100 एब्सोल्यूट अल्कोहल वाला, तो लास्ट जार का अल्कोहल आपको निकालना है और उसमें जो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट आपको इस्तेमाल करना है, अगर इसका कलर ब्लू हो जाता है, इसका मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि डिहाइड्रेशन इनकम्प्लीट हुआ है। समझ में आ रहा है आपको? अगर ये इसका कलर चेंज हो जाता है, नहीं हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर इसका कलर चेंज हो रहा है, इसका मतलब डिहाइड्रेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इस बात को ये प्रूफ करता है। तो इसलिए इस तरीके से इसको चेक करते हैं। तो आप ये याद कर लें, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट नाम आपको याद रहना चाहिए, इसका इस्तेमाल किया जाता है डिहाइड्रेशन को चेक करने के लिए। आपको ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि डिहाइड्रेशन कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है, इस बात को चेक करने के लिए कौन से रिएजेंट का इस्तेमाल किया जाता है, तो इस बात के लिए आपके पास ऑप्शन ढेर सारे रहेंगे, तो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट में आपको क्लिक कर देना है। ओके, तो इस तरीके से जो है ये आपका हो गया चेक करना। तो ये हमारा डिहाइड्रेशन कंप्लीट हो गया। आई होप आपको पसंद आया होगा वीडियो, पसंद आया होगा तो कमेंट्स करके बताना आपको लेक्चर कैसे लगा। थैंक यू सो मच, वीडियो को लाइक करके जाना, कोई सवाल है तो कमेंट्स कर देना, पहली बार आए चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन भी दबा देना। थैंक यू सो मच।